सिविल अस्पताल में ब्लड प्रेशर के मरीजों का इलाज सफल तरीके से हो पा रहा है। जावरा नगर के अस्पताल में तो हालात ऐसे हैं कि यहाँ मरीजों के लिए इलाज की संपूर्ण सुविधाएं बेहतर से बेहतर हैं। WHO द्वारा एक मशीन दी गई है जिसका प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ है। अस्पताल को एक ब्लड प्रेशर की डिजिटल मशीन मिली है जिसके द्वारा अभी तक तकरीबन 2070 मरीजों का ब्लड प्रेशर जांचा जा चुका है। डॉक्टर उपाध्याय से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा साथ साथ पूरा स्टाफ अपने कार्य को सही तरीके से कर रहा है और यहाँ मरीजों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती। वहीं अगर देखा जाए तो सरकार ने भी यहाँ पूरी सुविधाएं कर रखी हैं जिसकी बदौलत यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिलता है। जहाँ सरकारी अस्पताल में लोग परेशान होते हैं तो वहाँ अगर ऐसी सुविधाएं मिल सकें तो लोगों के लिए खासी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ प्रवीण व्यास। जिला मुख्यालय से करीबन 35 किलोमीटर दूर हम आपको लाए हैं जावरा सिविल हॉस्पिटल, जो कि विशेष तौर पर मशीनों का उपकरण के साथ पेशेंट की जाती है जांच। हम आपको मिलाते हैं सर से। WHO ICMR के द्वारा जो है एक IHMI इंडिया हाइपरटेंशन मैनेजमेंट इनिशिएटिव का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिसमें हमारे रतलाम जिले को एज ए पायलट प्रोजेक्ट ये प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च हुआ है अप्रैल 2018 से। और जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में ब्लड प्रेशर के करीब करीब 20 करोड़ मरीज़ हैं 130 करोड़ की आबादी में से। तो पहले हमारा पूरा शासन का ध्यान जो था कम्युनिकेबल डिसीजेस पे होता था, लेकिन जब पता पड़ा कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो कि ब्लड प्रेशर है इतनी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है तो क्यों ना इस पर ध्यान दिया जाए। और ब्लड प्रेशर जो है वो ही स्ट्रोक का यानी लकवे का, हार्ट अटैक का है ना, ये बहुत बड़ा कारण है और मृत्यु का भी बहुत बड़ा कारण है। तो पूरा शासन का ध्यान इस ओर केंद्रित हुआ और उसी प्रोग्राम के अंतर्गत उसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए हमारी ये जो ये NCD क्लिनिक है जहाँ पर हम ब्लड प्रेशर नियंत्रण का जो है कार्य कर रहे हैं। ये पूरी NCD क्लिनिक है जहाँ पर मैं बैठता हूँ, हमारे साथ हमारी दो स्टाफ नर्सेस हैं और हमारे दो BP इंस्ट्रूमेंट है। एक आर्म इन BP मशीन है जो कि हमको बहुत अच्छा कार्य करने से शासन के द्वारा प्राप्त हुई है और हमारी दो डिजिटल मशीन्स हैं। एक OPD में अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग के लिए हमारी एक सिस्टर वहाँ बैठती है, दो सिस्टर हमारी यहाँ हैं। ये जो है ब्लड प्रेशर नियंत्रण कार्यक्रम जब से लागू हुआ है इसकी हमने सतत मॉनिटरिंग करी है, सतत इसकी निगरानी करी है और इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं कि हमारा जो है ये NCD क्लिनिक न सिर्फ मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ क्लिनिक है अभी तो यह भारत के भी श्रेष्ठतम क्लिनिक में से एक आ रहा है। सर अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सर? हाँ, जब से ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ है तब से अभी तक यानी अप्रैल 2018 से अभी तक हमारे 2070 मरीजों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये 2070 मरीज नियमित रूप से हमारे यहाँ से दवाइयाँ ले रहे हैं। हम दवाई की सुनिश्चितता तो करते ही हैं, साथ में हम इनको समझाते भी हैं कि ब्लड प्रेशर यदि अनियंत्रित रहेगा या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो आपको लकवा हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। और हम उनके साथ साथ हम उनको जीवन शैली के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से भी काफ़ी हद तक, नमक की मात्रा कम करने से भी काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या इस पेशेंट में लगभग सभी आते हैं या सिर्फ बुजुर्ग? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। पहले ये समझा जाता है कि ब्लड प्रेशर बुज़ुर्गों की बीमारी है, लेकिन नहीं, 18 वर्ष की उम्र के लोगों में भी ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया गया है। और हमारी ही क्लिनिक में हमने जो है जब से ये संचालन किया है, जब से रिकॉर्ड संधारण किया है, कम से कम अपने क्यों सिस्टर कितने अपने अबाउ 18 और 35 के बीच में कितने अपने 30-40, हमारे करीब करीब 20 से 25-30 मरीज ऐसे हुए हैं जो 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं लेकिन जिनकी 35-40 वर्ष से कम की उम्र है। तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, युवाओं में भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ पाए जाने लगे हैं और उनको जल्दी से जल्दी चिन्हित करना, जल्दी से जल्दी उनको अर्ली उनका डिटेक्शन करना और जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट करना, ये हमारी महती जवाबदारी है और हम दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय हूँ, सिविल अस्पताल जावरा में। मैं वैसे तो नेत्र विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हूँ लेकिन मैं NCD क्लिनिक के इंचार्ज का भी देख रहा हूं।